हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एक्सोरेंस इनफाइनाइट और आज हम वाईफाई यानी कि लाइट फिडेलिटी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके LED या फिर इंफ्रारेड लाइट से डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम वाईफाई का यूज़ करके ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने वाले हैं। ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ पर हमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की आवश्यकता है। पहले डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हम यहाँ पर 5 mm का LED यूज़ करने वाले हैं। आप दूसरा कोई भी LED यूज़ कर सकते हैं। डेटा को रिसीव करने के लिए यहाँ पर हम सोलर पैनल यूज़ करने वाले हैं इसके मेन कंपोनेंट से। इसके बाद LED और जो एम्पलीफायर है उसको पावर देने के लिए हम बैटरी पैक्स यूज़ करने वाले हैं। सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है, बिल्कुल उसी प्रकार आपको कनेक्शन करना है। LED को इनपुट में ऑडियो सिग्नल देने के लिए हम मोबाइल डिवाइस या फिर ब्लूटूथ रिसीवर का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑक्स केबल को LED कनेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर ज्यादा लाइट के लिए 2 LEDs यूज करने वाले हैं। हमने यहाँ पर 1.5 वोल्ट के 3 सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। ये सेल्स हमें आउटपुट में 4 वोल्ट देते हैं। आप यहाँ पर 18650 लिथियम आयन बैटरीज भी यूज कर सकते हैं। जो हमने रिसीवर बनाया है वहाँ पर हमने एक सोलर पैनल यूज़ किया है, तो सोलर पैनल के पोलैरिटीज चेक करने हैं। इसके बाद सोलर पैनल का नेगेटिव एनोड है उसको हमें एम्पलीफायर के ग्राउंड पर कनेक्ट करना है। जो पॉजिटिव कैथोड है उसको हमें एम्पलीफायर के लेफ्ट एंड राइट चैनल को कनेक्ट करना है। हमने यहाँ पर कैथोड को राइट चैनल पर कनेक्ट किया है। हमने TPA3110 एम्पलीफायर यूज किया है। आप यहाँ पर दूसरा कोई भी एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। एम्पलीफायर को ऑन करने के लिए हम 12 वोल्ट पावर सप्लाई देने वाले हैं। पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर मैंने 3 लिथियम आयन बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट किया है। एम्पलीफायर के आउटपुट में मैंने एक 10 वॉट का स्पीकर कनेक्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ऑक्स केबल को डायरेक्टली मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट किया है, और जैसे ही हम ऑक्स केबल को मोबाइल से कनेक्ट करते हैं LED ऑन हो जाता है। जैसे ही LED की लाइट सोलर पैनल पर पड़ती है हमें स्पीकर से म्यूजिक सुनने को मिलता है। ऑडियो सिग्नल LED के थ्रू सोलर पैनल पर पड़ता है। सोलर पैनल लाइट को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर सोलर पैनल रिसीवर है। सोलर पैनल उसी लाइट को यूज करके एम्पलीफायर को इनपुट में ऑडियो सिग्नल दे रहा है, और एम्पलीफायर ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफायर करके स्पीकर से हमें ऑडियो सुनने को मिलता है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अगर लाइट की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होती है तो ऑडियो पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, या फिर लाइट और सोलर पैनल के बीच में कुछ इंटरफेरेंस आता है ये सिग्नल को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है। LED से थोड़ी भी लाइट अगर सोलर पैनल तक पहुंच पाती है तो सिग्नल अच्छे से ट्रांसमिट होता है। आप देख सकते हैं LED की डायरेक्शन अगर हम चेंज भी करते हैं तो सोलर पैनल पर इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, और LED की थोड़ी भी लाइट सोलर पैनल तक नहीं पहुंचती है तो एम्पलीफायर आउटपुट नहीं देता है। आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वाईफाई का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर वाईफाई का यूज़ करके ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट किया, वैसे ही और एक प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं जहाँ पर हम LED और LDR का यूज़ करके हम डेटा भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसका वीडियो भी जल्द ही आ जाएगा। अगर वाईफाई का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।